गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। टुडे डिस्कस एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th एंड चैप्टर नेम इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आर डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको सब समझ में उसमें क्लियरली आ गया होगा, हमने फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे उसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्सरसाइज 12.2 ही है। ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनस सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। फर्स्ट स्टूडेंट, वी ड्रॉ ए फिगर टू ऑब्जर्व एंड डिस्कस द क्वेश्चन। सबसे पहले हम समझने के लिए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है स्टूडेंट, ओके, ये सर्कल, O इज द सेंटर एंड राइट एंगल एट द सेंटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर। टू रेडियस हैं यहाँ पर, जो कि सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर सबस्टेंड कर रही हैं, ए ओ एंड ओ बी, 10 सेंटीमीटर ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द माइनस सेगमेंट, जॉइन ए बी एंड दिस पार्ट इज द माइनस सेगमेंट, ओके। सेगमेंट मीन्स जब हम एक कोर्ड को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के टू पार्ट्स हो जाते हैं, जो आपका मेजर है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं और ये माइनस सेगमेंट। स्टूडेंट हम अगर इस माइनस सेगमेंट के एरिया को फाइंड करना चाह रहे हैं, देन फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, इस सेक्टर का एरिया हम फाइंड कर लें, एंड सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए ओ बी, देन वी फाइंड द माइनस सेक्टर्स एरिया ए सी बी। यहाँ पर देखिए सरफेस पर हमने सी पॉइंट भी लिया है यहाँ पर, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। सो एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट, फर्स्ट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए सी बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ओके। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ रहा है, हम सेक्टर का जो एरिया है इसमें से राइट ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे। वैल्यू ऑफ पाई 22 अपॉन 7 और 3.14, बट सजेस्ट इन द क्वेश्चन वैल्यू पाई इज 3.14, तो यहाँ पर हम 3.14 को यूज़ करेंगे स्टूडेंट, 3.14 मल्टीप्लाई 10 होल स्क्वायर इंटू 90 डिग्री एंगल अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, ओके, क्लियर। स्टूडेंट जीरो से हमने जीरो कैंसिल किया, 9 1 9, 9 4 36, 2 5 10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 3.14 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 314 डिवाइडेड बाय 4, 314 डिवाइडेड बाय 4, देन 78.5 माइनस 50 इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियरली स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी को फाइंड किया है
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर मीन्स दिस सेक्टर ए बी. ओके, एंड थीटा इज 360 माइनस 90. हमें थीटा मिल जाएगा यहाँ पर. तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. थीटा स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90. इस 90 को माइनस कर देंगे तो आपके पास देखिए ये थीटा मिल जाएगा आपको. ओके, सो 3.14 इंटू 10 होल स्क्वायर इंटू 360 माइनस 90 270 अपॉन 360. जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. ओके, देन 3.14 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 314 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4. ओके, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तब आपको कितनी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट? कैलकुलेशन करें, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पर हमने माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड किया और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड किया है. फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका है, हम कई प्रीवियस वीडियो में भी इसको हमने डिस्कस किया था. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टूडेंट आप ध्यान देना, वहाँ पे ऑब्जर्व करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 चलें. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर आर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. अब इस आर्क की हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है आर्क की. और लेंथ जो फाइंड करनी है हमें आर्क की, ये देखिए कितनी होगी. इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? 2πr. सो फर्स्ट, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क एआरसी थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. थीटा स्टूडेंट 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर क्या लेंगे हम? 22 अपॉन 7, आर 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 3 से आपने इसको डिवाइड किया 120, 0 से आपने 0 को कैंसिल कर दिया है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से आपने 2 1 जा 2 को किया एंड फाइनल आंसर इज 22 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ दिस आर्क इज 22 सेंटीमीटर. ओके, एंड आफ्टर दिस सेकंड पार्ट इज एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है स्टूडेंट. ए ओ बी, ए ओ
बी सी, ए ओ बी सी, इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। और एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर? सो एरिया ऑफ द सेक्टर, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यही फॉर्मूला है स्टूडेंट, लर्न हो गया होगा अब तो आपको। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, ओके, इनटू आर 21 इनटू 21, थीटा 60 इनटू 360। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 6 1 6 6 6 36, 7 1 7 7 3 21, 3 2 6, 2 1 2 और 2 से ये 11 हो गया स्टूडेंट, और आंसर इज 11 1 11, 11 2 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट था जो कि क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहा गया था। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। ये जो कोड है ए बी, इस करस्पॉन्डिंग कोड के थ्रू जो सेगमेंट है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, उसको हमें, उसके एरिया को हमें फाइंड करना है। ए सी बी, ए सी बी ये जो सेगमेंट है इसको हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से हमें क्या माइनस करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट, अभी हमें केवल सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है 60 डिग्री, उससे हमें ये नहीं पता चलता है कि ये जो ट्राइंगल है ये किस टाइप का है, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट है, या किस टाइप का है। तो इसके लिए हमें ये दोनों एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी को भी फाइंड करना होगा, ओके। सो थर्ड पार्ट इज एरिया ऑफ, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय corresponding code, स्टूडेंट कोड यहाँ पर कौन सी है, ए बी, ओके। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लें कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस, सो इक्वल, बोथ आर इक्वल इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस, देन एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल sides are equal, opposite angle of equal sides are equal, इस theorem को हमने use किया है student। So we let the angles of the angle A and angle B is x, so angle
OAB plus angle OBA plus angle AOB 180 angle sum property x plus x plus 60 equal to 180 2x equal to 180 minus 60 then x equal to 120 upon 2 60 degree so student we find that angle OAB 60 and also angle OBA 60 so all the angles of the triangle are 60 degree equal then this triangle is equilateral triangle okay तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है इक्विलेटरल ट्राइंगल सो ट्राइंगल एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओके देन एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल So 22 upon 7 multiply 21 into 60 into 360 minus root 3 upon 4 a square means side और सभी side कितनी है यहाँ पर student 21 okay 21 होल स्क्वायर देन कैलकुलेट एंड इन प्रीवियस इससे पहले देखिए इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने इस कैलकुलेशन को कर लिया था और ये कैलकुलेशन थी हमारे पास 231 माइनस 21 इंटू 21 441 रूट 3 अपॉन 4 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर ओके स्टूडेंट सो दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी फाइंड थ्री पार्ट्स या कैलकुलेट थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द आर्क सेकंड इज एरिया ऑफ द सेक्टर एंड थर्ड इज एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द कोर्ड ए सी बी ओके क्लियर नाउ सो स्टूडेंट आपने जब इस क्वेश्चन को कर लिया है तो अब आप इसको अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ चुकी है और इस एक्सरसाइज को आप ट्राई कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच